हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, एक आप लोग के लिए नई वैकेंसी निकल के आ रही है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट की तरफ से। ये पूरी तरह से आपके लिए सरकारी नौकरी, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट है। इसके लिए जो नोटिफिकेशन है रिलीज कर दिया गया है, यहाँ जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसके लिए बहुत सारे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। एयर सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये मैं आपको दिखा दूँ। ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। देखेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर देंगे जहाँ से इसको आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके तरफ। जो इम्पोर्टेंट, इन सब के अलावा जो और एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे उसके लिए हम लोग जो इसका नोटिफिकेशन है उसकी तरफ चलेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो आप लोग जरूर से जरूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो वैकेंसी है वो आपके निकल के आ रही है यहाँ पे राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंस लखनऊ की तरफ से। यहाँ 520 आपको यहाँ पे पोस्ट देखने को मिल जाएंगे। इसके एलिजिबिलिटी को आप लोग यदि फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के लिए। तो 28/10 से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है और इसे 27/11 तक इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर सकेंगे। अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो इसको जितना जल्दी हो सके, यदि आप लोग इसके एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं तो इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई जरूर से जरूर कीजिएगा। यदि बात करते हैं पेमेंट का लास्ट डेट तो वो भी आपका 27/11 रखा गया है। एग्जामिनेशन जैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा और उसी के साथ साथ एडमिट कार्ड के बारे में भी जो जानकारी मेरे पास आएगी मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहना होगा। एप्लीकेशन फी की बात करते हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 1180 रुपए, वहीं एससी एसटी से 700 रुपए, वहीं दिव्यांग से 1 भी रुपए नहीं लिए जाएंगे। और जो भी पेमेंट है आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर ई चालान के थ्रू जो इसका पेमेंट है आप लोग कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ एज के बारे में, तो एज की यदि बात करते हैं तो एज आपका यहाँ पे 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष। उसी के साथ साथ जो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है जैसे कि ओबीसी को, एससी को, एसटी को, तो यहाँ एज में आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश के हैं उनके लिए। चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी हो सकती है उसको आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। यदि हम लोग बात करते हैं लोअर डिवीजन कलर के लिए तो बैचलर डिग्री यदि आपने के पास है तो इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। 39 यहाँ पे पोस्ट है, 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, हिंदी में टाइपिंग 35 और इंग्लिश में टाइपिंग आपका 40 होना चाहिए। उसी के साथ मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की बात करें तो 10 पोस्ट है। इसके साथ साथ यदि आप ग्रेजुएट हैं या फिर डिप्लोमा किए हैं मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी में तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षक ग्रेड 2 की बात करते हैं तो यदि आपने बैचलर डिग्री इन साइंस बीएससी में यदि आपने किया है या फिर दो साल का आपके जनरल नर्सरिंग मिडवेफरी या फिर आप के साथ साथ आपके पास 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज्यादा पोस्ट आपको देखने को मिलेगी 431। बात करते हैं साइंटिस्ट ए रेडियो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के लिए तो यहाँ पे यदि आपने एमएससी किया है मेडिकल फिजिक्स से या फिर एमएससी किया है फिजिक्स में या आपने डिप्लोमा किया है रेडियोलॉजिकल में या फिर मेडिकल फिजिक्स के साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साइंटिस्ट ए रिसर्च ऑफिसर की बात करें तो यदि आपने एमएससी किया है, पीएचडी किया है साइंस में किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वेटनरी ऑफिसर की बात करते हैं यदि आपने बैचलर डिग्री प्राप्त किया है वेटनरी साइंस में या फिर एनिमल हस्बेंड्री में रजिस्ट्रेशन काउंसिल से तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक एक पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यदि बात करते हैं साइंटिफिक बी के लिए न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए तो यदि आपने पोस्ट एमएससी डिप्लोमा किया हुआ है, पीजी किया हुआ है रेडियोलॉजिकल फिजिक्स में तो आप लोग या फिर मेडिकल फिजिक्स में तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं अगला जो पोस्ट है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट डाइटिशियन के यहाँ पे पोस्ट है। यदि आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है फूड एंड न्यूट्रिएंट्स में 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन की भी यहाँ पे पोस्ट है यदि आपने बैचलर डिग्री प्राप्त किया है साइंस में और साथ ही साथ में आपके लाइब्रेरी साइंस के साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है और टाइपिंग भी यहाँ पे आपका खोजा गया है 30 से लेकर 25 वर्ड्स के लिए तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर की बात करते हैं तो ये आपके पास 21 सीट देखने को मिलेगा। यहाँ पे बैचलर डिग्री यदि आपने साइंस या फिर कॉमर्स से 55% मार्क्स के साथ है या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ है ये 55% के मार्क के साथ साथ यदि आपने डिप्लोमा किया है मटेरियल मैनेजमेंट के में 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर की बात करते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए तो 1 पोस्ट है। यदि आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट के यहाँ पे आपको ग्रेड 3 की देखने को मिल जाएगी जहाँ पे 3 पोस्ट है। यदि आपने फार्मेसी किया है डिप्लोमा के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस है इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। स्टैटिक असिस्टेंट की बात करें यदि आपने मास्टर डिग्री प्राप्त किया हुआ है मैथमेटिक्स में या फिर स्टैटिक्स या फिर स्टैटिकल मैथमेटिक्स में तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर की बात करते हैं यदि आपने बैचलर डिग्री प्राप्त किया है 55% अंक के साथ आपका जो स्पीड होना चाहिए 80 वर्ड प्रति मिनट, आपको स्टेनोग्राफी आना चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश में और साथ ही साथ में आपको टाइपिंग आना चाहिए 40 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश में और हिंदी में 35 वर्ड प्रति मिनट।
बात करते हैं जनरल ड्यूटी मेडिसिन कॉन्सुलेट मेडिकल ऑफिसर के लिए, यदि आपने एमबीबीएस किया हुआ है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के लिए, तो यहाँ भी यदि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, एमबीबीएस किए हुए हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दो दो पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, इन सबको आप लोग टोटल कीजिएगा तो लगभग लगभग यदि हम लोग बात करते हैं तो 520 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, क्या क्या आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, ठीक है, टेलीग्राम चैनल से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए जो जो पॉइंट्स आगे उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे जो आप लोग सैलरी है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यदि सैलरी की बात करें तो लेवल 5 से लेके आपको यहाँ पे लेवल 11 का सैलरी देखने को मिलेगा। आप इन सभी को आप लोग देख लीजिएगा, जो जो पोस्ट है आप वहाँ पे सैलरी देख लीजिएगा अपना किस लेवल का आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे कम आपका लोअर डिवीजन असिस्टेंट है उसका है, या फिर आपके 4 लेवल का यहाँ सैलरी देखने को मिलेगा। वहीं बात करते हैं सबसे ज्यादा आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा जो न्यूक्लियर मेडिसिन है उनके लिए लेवल 11 का यहाँ सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए लेवल 11 का जो सैलरी है वो 67,000 के साथ साथ जो अदर अलाउंसेस है वो होने वाला है। लेवल 4 में यहाँ 25,000 के साथ साथ जो अदर अलाउंसेस होने वाला है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है, ठीक है। इन सबके अलावा जो मैंने आपको एलिजिबिलिटी बताया है उसके अलावा इन सभी पॉइंट्स को आप लोग यहाँ से एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट न रहे, ठीक। ये पॉइंट समझ में नहीं आया था इसलिए मैं नोटिफिकेशन का लिंक आपको प्रोवाइड कर देता हूं ताकि आप लोग इसको एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा और जो भी आपको पढ़ना है उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट न रहे आपके एलिजिबिलिटी को लेके और आपके किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उसके बारे में। तो चलिए जब बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, किस प्रकार से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपके एग्जामिनेशन में क्या आपका सिलेबस होने वाला है उसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ आपका कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट होने वाला है जिसे सीआरटी के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपको 2 घंटे का यहाँ पे आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन होने वाला है जिसमें आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, जिसमें से 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी आपके सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड। 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से, 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से, 10 आपके रीजनिंग से और 10 आपका मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सही करने पर 1 नंबर दिए जाएंगे, वहीं गलत करने पर 0.25 मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट कर लिए जाएंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है, इससे कम लाने पर आप लोग ऑटोमेटिक ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% है, वहीं 40% एससी एसटी ओबीसी या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रखा गया है। बात करते हैं इंटरव्यू के लिए, तो यहाँ पे फिर उसके बाद आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आपको यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है और जिनका स्किल टेस्ट होने वाला है उसका स्किल टेस्ट होगा और यहाँ पे टेक्निकल एग्जामिनेशन भी, जिनका टेक्निकल एग्जामिनेशन होने वाला है उनका होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आप सभी पॉइंट्स देख लीजिएगा जो पोस्ट है, जैसे 2, 3, 4, 5 और 6 यहाँ पे 20 मार्क्स का आपका यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है और जिनका जिनका यहाँ पे आपके बात करते हैं स्किल टेस्ट होने वाला है उन सभी को यहाँ पे स्किल टेस्ट देना होगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं फिर आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरिट लिस्ट आपके इंटरव्यू के आधार पे, आपने जो एग्जामिनेशन में मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं उसके आधार पे यहाँ पे होने वाला है। जो स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन है वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होने वाला है कि उसको सिर्फ आपको क्वालिफाई कर लेना है और जो भी रिजल्ट है आप लोग इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे इसको आप लोग आके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। इन सबके अलावा आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग जरूर से जरूर पूछिएगा। और आपको बता दें कि आपने यदि इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो वहां पे आप हमें फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पे इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए और इसको एक बार जरूर से जरूर आप लोग वहां पे पढ़ लीजिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।